उत्तराखंड की होनहार बेटियों की सफलताओं से आए दिन हम आपको अवगत कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको राज्य की एक और ऐसी ही होनहार बेटी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 उत्तीर्ण कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के कली गाँव की रहने वाली अनुप्रिया राय की, जिनका नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा 2022 की रिजर्व सूची में शामिल है। बता दें कि 89 कैंडिडेट्स की इस सूची में अनुप्रिया का नाम 29वें नंबर पर है। सबसे खास बात तो यह है कि अनुप्रिया इससे पूर्व हरियाणा PCS की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुकी है और वर्तमान में हरियाणा सरकार में PCS अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि अनुप्रिया राय ने अपने पहले ही प्रयास में PCS परीक्षा पास की थी और वह वर्तमान में बतौर हरियाणा सरकार में PCS अधिकारी BDPO के पद पर तैनात हैं। उन्होंने नौकरी के दौरान भी सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारियां जारी रखी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर महज 8 माह के भीतर ही यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। बताते चलें कि इस अभूतपूर्व सफलता को अर्जित करने वाली अनुप्रिया के पिता मुकुल राय एवं माता किरण राय लोहाघाट अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। बता दें कि बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे की छात्रा रही अनुप्रिया ने जवाहर नवोदय विद्यालय से वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। तदुपरांत उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद न केवल उन्होंने हरियाणा PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि इसमें भी उन्होंने टॉपर बनने का मुकाम हासिल किया था। उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि से जहां उनके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं फोन कर अनुप्रिया को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।